राजगढ़ जिले के हजारों अध्यापकों ने आक्रोशित रैली निकाली, जहां अध्यापकों ने संगठन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह गुर्जर को देशता पूर्वक निलंबन करने पर निलंबन वापस होके नारे लगाए और जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने कहा कि 23 जून तक निलंबन वापस नहीं किया तो जिले के स्कूलों को ताला लगाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। बुधवार को राजगढ़ जिले के हजारों अध्यापक साथियों ने आक्रोश रैली निकालकर उनके संगठन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह गुर्जर को देवता पूर्वक निलंबन करने पर निलंबन वापस हो के नारे लगाए। वहीं जिला पंचायत कार्यालय में धरना देकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से प्रशासन में भरी गर्मी में शिक्षकों को गर्म पानी पिलाने का जिक्र था। वहीं विरोध में जिला परियोजना अधिकारी से शांति व शालीनता संगठन जिला अध्यक्ष ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात 1 जून को रखी गई थी। जिला परियोजना अधिकारी ने इस मुद्दे को एक बड़ा रूप बनाकर शासकीय कार्य व अनुशासनहीनता का रूप बनाकर देवता पूर्वक निलंबन किया गया था। इस आक्रोश को लेकर जिले के हजारों की संख्या में अध्यापकों ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द निलंबन को स्थगित करने की मांग की है। वहीं अध्यापकों का कहना है कि 23 जून के पहले निलंबन वापस नहीं हुआ तो 24 जून से जिले के स्कूल नहीं खुलेंगे। वहीं आक्रोशित अध्यापकों ने स्थानीय विधायक बापू सिंह तंवर को भी एक मांग मात्र सौंपकर जिला अध्यक्ष का निलंबन स्थगित हो मांग की है। राजगढ़ से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। जो डाइट में डिसीजन जो चल रहा था उसमें गंदा पानी गर्म पानी था, उसके लिए पूर्णतः उनने शांति वातावरण से डीपीसी महोदय से और वहाँ के अधिकारी से चर्चा की कि भैया यहाँ के जो प्रशासन से जो पैसे आते हैं सही तरीके से उन्हें खर्च करो। अध्यापक जो आ रहा है 47-48 डिग्री जो तापमान है इतने में वो वहाँ से आते हैं तो उनका कम से कम ठंडा पानी पिलाया जाए। पानी की व्यवस्था और अन्य अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना मतलब निलंबन का रूप लिया उसने। किसी व्यवस्था के खिलाफ अव्यवस्था के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उस व्यक्ति की आवाज़ दबा दी जाती है, निलंबन कर दिया जाता है। और इसी के विरोध में आज जिला पंचायत में सभी अध्यापक साथियों ने इसके विरोध में जो है ज्ञापन दिया है।